राज्य में गत किछि दिन हेबो परिवार दर हु हु होई बढ़िबार लागिछि। एथिरे हंतसंत हेउचंती साधारण लोक। आज कटक छत्र बजार पोटल दर किलो प्रति 100 टंका रे पहुंच। बैगण 30, टमाटो 50 और भेंडी 60 टंका रहिछि। एपरिकि अन्यान्य परिवार दर मध्य आकाश छुआ रहिछि। 500 टंका बजार को नै गले सुधा परिवार बैग भर्ती हेउनै, तेणु साधारण तीव्र असंतोष देखा दैछि। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव संग को असह्य गुळगुळी पाग कारण परिवा सबू कम समय रे नष्ट हो जाउछि, जेउ कारण व्यवसायी बिक्री पई आणुथिबा परिवा परिमाण कमाइ देउछन्ति। हाँ परिवार एटा बढ़ी कौन बर्तमान जो भाई भाव खरा हो गुड़गुड़ी होती तो गोटे अवस्था गच्छ पच किसी उदौनी तेणु फसल आम लोकाल फसल से भाव में किसी बाहरी पार नहीं। गाँ आसूँ आम राज्य बाहर बेंगलोर आसार बेंगलोर एपटे रांची ये सब जगार आसूस आट पॉइंट उचा अच्छी तेनाली उचा होठिकार लोकाल रज पर बर्षा आरंभ हो गले किसी किसी फसल बाहर तुम छटी बना जो अनुगुण अच्छी से पटल आसीज बरगढ़ बलांगीर कंजोर एपट सैड्र सब धीरे धीरे बर्षा हेल्ले जिनस पर आसवे अनुसार जिनसटा आसूसी रेटा रही से अटोमेटिक तार सोमट से कम जो आमदानी अधिका हम से निश्चय कम। पर दर वृद्धि संपर्क में छत्र बजार सभापति देवेन्द्रनाथ साहू कहते राज्य में स्वल्प वर्षा हेतु पर उत्पादन ह्रास पाई टमाटो कदमी सजना भाई केतेक परिबा मध्य राज्य बाहर आमदानी करा जाउछि। आखपाख अंचल परिबा कम आसुथिबारु परिबा दर वृद्धि अन्य एक कारण बोली से कहिछन्ति। बैगण 30 टका पोटल 100 कहुछु 60 70 एमते 80 एमते बिक्री होउछि आउ रेट फल नै आउ ये गरम आउ ये जो होउछि पानी नै मेन कथा आउ बहुत प्रभावित अमंग आम घर को नहीं पारू 100 टका दे पोटल किले बड़ पर गोटे किले पोटल ना 100 टका गला आउ कौटी हम। कटक रु आरित कुमार महापात्र रिपोर्ट खबर ओडिशा।